हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एल्बम डिजाइनिंग के ऊपर। एल्बम डिजाइनिंग आप कर सकते हैं वो भी किसी अदर सॉफ्टवेयर की मदद लिए बिना, किसी अदर सॉफ्टवेयर को यूज़ किए बिना, सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप से। अगर आप सिर्फ फोटोशॉप से एल्बम डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक बने रहिए, मैं आपको सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक हम फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे, ये फिट टू फ्रेम है, इसको हम कॉपी करेंगे, अप्रोच कर देंगे। इसके बाद हम फोटोशॉप के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करेंगे। इसमें जाने के बाद आप जाएंगे प्रीसेट्स में, प्रीसेट्स में जाने के बाद स्क्रिप्ट में, और स्क्रिप्ट में जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मेरे पास ऑलरेडी है। इसके बाद फोटोशॉप को रिस्टार्ट कर लेंगे। और साथ रिस्टार्ट करने के बाद थोड़ी बहुत शॉर्टकट्स में चेंजेस करेंगे। हम शॉर्टकट्स में चेंजेस ऐसे करेंगे, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और के दबाएंगे, इसमें इन दोनों ऑप्शन पर मार्क लगा देंगे। इसके बाद लेयर ऑप्शन पर जाएंगे। लेयर ऑप्शन में जाने के बाद एक शॉर्टकट तो हम ये बनाएंगे कि जो रिट्रेस का ऑप्शन होता है इसमें आप सर्च कर लेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, नीचे आएगा आपको रिट्राइज के ऑप्शन पे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद रिट्राइज ऑप्शन में नीचे जाने के बाद और लेयर पे क्लिक करेंगे। और लेयर पे क्लिक करने के बाद इसका शॉर्टकट आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। मैंने कंट्रोल शिफ्ट आर दिया हुआ है क्योंकि इसका यूज़ मुझे नहीं लगता, कहीं और फोटोशॉप में होता है और होता भी है तो मेरे काम का नहीं है, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट दे दिया है। एक और शॉर्टकट मैंने चेंज किया हुआ है जो कि लेयर के अंदर है। इधर आप नीचे आएंगे लेयर पैनल पर ही, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल अल्ट जी दिखेगा, क्रिएट एंड रिलीज क्लिपिंग मास्क, इसको आप चेंज कर सकते हैं। मैंने चेंज करके रखा है, कंट्रोल जी कर दिया है इसमें, क्योंकि कंट्रोल अल्ट जी होता है, मैंने कंट्रोल जी कर दिया है। तीसरा जो चेंज इसमें करने वाला हूँ वो है फाइल ऑप्शन के अंदर। फाइल ऑप्शन के अंदर आएंगे तो आपके जो मेनू में है इसमें एक ऑप्शन और ऐड हो जाएगा। आप स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे, ये फिट टू फ्रेम एक ऑप्शन है जो अभी हमने स्क्रिप्ट पेस्ट किया था, वो यहाँ पास देखने लग जाएगा। इसका हम कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट बना लेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे, वो भी करेंगे, फिर फोटोशॉप रिस्टार्ट कर लेंगे। अब आपको फोटोशॉप काम करने के लिए रेडी है। एक सेटिंग और कर लेते हैं, कंट्रोल अल्ट के दबाएंगे। कंट्रोल अल्ट के दबाने के बाद ये स्किप ट्रांसफॉर्मेशन वेन प्लेसिंग, इससे मार्क हम हटा देंगे। कैसे इस पर क्या काम करता है बाद में बताऊँगा आपको, अभी हटा देंगे, वो भी करते हैं। इसको हम आधे स्क्रीन पे कर लेते हैं फोटोशॉप में ऐसे। इसके बाद आधे स्क्रीन पर हम फोटोज को ले लेते हैं, एक नया शीट जनरेट करेंगे, कंट्रोल एन दबाएंगे। मैं यहाँ हम यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसे नहीं सिखाने वाला, शॉर्टकट से ही सारा काम बताऊंगा आपको। तो कंट्रोल एन दबाएंगे और आपके पास न्यू शीट एक ओपन होगा। आप इस न्यू शीट पे इंचेस में लेंगे 36x12x250। लोग 200 रेजोल्यूशन पे भी काम करते हैं लेकिन हम 250 पे काम करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास ये स्केल आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे और आप पे स्केल आ जाएगा। अल्ट दबा कर रखेंगे और ये 18 नंबर के यहाँ पास से आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और आपके पास एक मार्कर ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमारे लेफ्ट साइड हो गया और राइट साइड हो गया। अब इसको हम डिवाइड कर लिए हैं। अब यहाँ से क्योंकि हमारा शीट फोल्ड होने वाला है, अब हम फोटोज को इस शीट में प्लेस करेंगे। हम तीन फोटो ले लेते हैं इस साइड लगाने के लिए। पहला फोटो ओपन होगा, ये हम यहाँ रख लिए। सेकेंड फोटो ओपन होगा, हम इसको यहाँ रख लिए। इसके बाद थर्ड फोटो फिर से ओपन हुआ, इसको हमने यहाँ रख लिया। अभी सबसे पहले हम सिर्फ रख देते हैं, डिजाइन बाद में करेंगे। इसके बाद इसके यहाँ पे यूज नाम का एक फोल्डर बना देंगे, उस फोटोज को यूज के अंदर पेस्ट कर देंगे। इधर वेडिंग सेरेमनी का शीट बनाने वाला हूँ, इस फोटो सारे फोटोज हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे। जो फोटो है हम उसको इस तरफ ड्रैग कर लेते हैं।
शीट में फोटो को अरेंज कर लिए हैं। अब इसके बाद इसको हम डिज़ाइन कर लेंगे। डिज़ाइन करने में क्या करते हैं कि इस पर एक डिज़ाइन दे देते हैं, इसलिए इस पर देने वाला हूँ ऐसा डिज़ाइन। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। अगर सारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप खत्म करना चाहते हैं, आपका अरेंजिंग परफेक्ट हो गया है, तो कंट्रोल शिफ्ट आर जो कि हमने अभी इस कीवर्ड शॉर्टकट बनाया था वो हम कर देंगे। सारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, यहाँ से हम इसका डिलीट कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट आर डिलीट, शीट का कलर ब्लैक कर देते हैं। राइट क्लिक शिफ्ट के साथ एम दबाएंगे तो भी आपका ये हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे इसको डिलीट कर लेते हैं। कंट्रोल जे देन बैक का लेयर दोनों का डिलीट कर दिए और ये एक डिजाइन बन गया। तो सर्कल में आ गए हैं। इसमें आप यहाँ से अगर आपके पास स्टाइल है तो आप उनमें से कोई भी फ्रेम यूज कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास स्टाइल नहीं है तो मैं आपको मैनुअली ही बता देता हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे, कोई भी एक लेयर सेलेक्ट करेंगे, इस लेयर के ऊपर यहाँ इधर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये स्ट्रोक का एक ऑप्शन आएगा, इस पर इधर मार्क लगाएंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे। इधर से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड या सेंटर जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं। इसकी ऑपोसिटी भी आप कम कर सकते हैं। ओके करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। इस लेयर का स्टाइल हमने कॉपी कर लिया है और बाकी जगह पर भी हम पेस्ट कर देते हैं। आपको इनमें अच्छा नहीं लग रहा है इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ से कट रहा है, इस फोटो पे तो परफेक्ट है लेकिन इस पे कट रहा है, तो हम इसको यहाँ से डिसेबल करेंगे। और अगर हम डिसेबल नहीं करना चाहते तो इसको हम इनसाइड की जगह आउटसाइड कर देंगे। इस जगह पर हम लिखने वाले हैं रिंग सेरेमनी, टी दबाएंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको और साइज बड़ा कर लेते हैं। इसको हम ऐसा मूवमेंट देंगे, इसको ऐसे सर्कल में लेके आएंगे। इसके लिए हम इस टूल पर क्लिक करेंगे, टी पे क्लिक है टेक्स्ट पर, और यहाँ पे हम इस ऑप्शन में जाएंगे क्योंकि हमें ऐसा बनाना है, इसलिए इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसका कलर व्हाइट देना चाहूँगा। इसके ऊपर एक डिजाइन देना चाहूंगा। आप वहां से भी स्ट्रोक दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे शॉर्टकट बना लिया है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जब जिस शॉर्टकट की जरूरत पड़े आप यूज कर सकते हैं। ये स्टाइल है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं चाहे तो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाएंगे डाउनलोड कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के एंटर करेंगे और आपका डिजाइन बन जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एन से न्यू लेयर बन जाएगा। इसके बाद जो भी कलर यहाँ पर होगा कंट्रोल के साथ आप डिलीट दबाएंगे तो एक वो कलर अप्लाई हो जाएगा, उस जगह पर फिल हो जाता है। ऊपर मैं बॉक्स देना चाहूँ, स्ट्रोक देना चाहूँ, नीचे जाएंगे स्ट्रोक दे देंगे,
वाइट, ब्लैक, ब्लू, मैं हर कलर का बना रखा मैंने। आप भी चाहें तो बना सकते हैं, मैं आपको बनाना भी बता दूंगा, आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस लेयर को पीछे कर दिया मैंने। इसमें ज्यादा वाइट लग रहा है, मैंने और दबा कर रखा है, इसको हल्का सा कम कर दिया। अब इसमें हम कलर इफेक्ट देना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड इसमें कुछ भी नहीं है, हमें बैकग्राउंड दे देते हैं इसमें। इसके लिए आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे जाएंगे हाई रेजोल्यूशन पे 12x36 लिख कर आप डाउनलोड कर सकते हैं उनको अच्छे रेजोल्यूशन पर। मैंने डाउनलोड करके कुछ रखा हुआ है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। इस बैकग्राउंड में शायद ये अच्छा लगेगा। इसका हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट खत्म करने के लिए वो दबाएंगे और क्लिक कर देंगे। ओके, स्मार्ट ऑब्जेक्ट खत्म हो चुका है। मैं इधर चाहता हूँ थोड़ा सा ब्लैक हो जाए क्योंकि इसके ऊपर कलर अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मैं सर्कल लूंगा, सर्कल बनाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते हुए कंट्रोल डिलीट दबाऊंगा, रेड आ गया, इसको कंट्रोल यू दबाकर ब्लैक कर दूंगा, नीचे वाला इधर करने पर ये ब्लैक हो जाएगा। इसमें हम चाहें कोई इफेक्ट देना, अल्ट आई ए आर अब दबाएंगे, अल्ट दबा कर रखेंगे, आई ए आर दबाएंगे और आपके पास एक मेनू होगा ओपन होगा रिप्लेस कलर का, आप यहां से डायरेक्टली भी जा सकते हैं, मेरे शॉर्टकट के थ्रू होता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप फेस पर क्लिक करेंगे, इसको कम कर देते हैं, इसको थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, परफेक्ट नहीं है। इस पे क्लिक करेंगे, हल्का सा ड्रैग कर देंगे, दबा कर रखें, ड्रैग करें, हल्का हो गया। इधर का कलर चाहिए पता है ना, ये भी हट गया, अभी ब्लैक एंड वाइट हो चुका है इसका फेस। ओके करेंगे, कुछ और बाकी रह जाता है, एल दबा कर, एल टूल जो कि लास्ट टूल ये है, इसकी सहायता से हम कुछ सेलेक्ट करेंगे, इधर को सेलेक्ट करेंगे, बाल के ऊपर से इसको इरेज करेंगे। फैदर देंगे कम से कम सेटिंग, कंट्रोल यू देन सिचुएशन कम कर देंगे। ओके, इनके ऊपर भी इनको हम हटा सकते हैं, इनके ऊपर जहाँ भी हमें नहीं चाहिए उस एरिया को सेलेक्ट करके कंट्रोल यू दबाकर, अब क्योंकि हमने एक बार कंट्रोल यू दबाकर सिचुएशन उसको कम कर दिया था, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस यू दबाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिक ये बढ़ा हुआ मिलेगा। कोई भी वर्क अगर हम कर रहे होते हैं उस वर्क को हमें दोबारा सेम टू सेम अप्लाई करना हो तो कंट्रोल के साथ अगर हम एफ दबाए हैं कंट्रोल अल्ट एफ तो रिपीट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ अगर हमने बी दबाकर बैलेंस सेट किया हुआ है तो पिछला वाला बैलेंस सेम टू सेम सेट हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ कुछ लिख सकते हैं जैसे कि एंगेजमेंट, आप देखिए हम ये सीट अभी मैनुअल तरीके से बनाए हैं, पूरा सीट हमने खुद अभी डिजाइन किया है और आप चाहें तो इस प्रकार कई सीट बना सकते हैं। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें मैं चाहता हूँ एक लाइनिंग
एम दबाकर रखूंगा, सॉरी ये गोला वाला है, इसको हम शिफ्ट एम दबाएंगे, ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, हम इसमें वाइट कट्टी ले लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एम ले, अल्ट के साथ डिलीट दबाएंगे, वाइट प्लेस हो जाएगा, कंट्रोल जे करेंगे, शिफ्ट के साथ इधर, कंट्रोल जे शिफ्ट के साथ से और कंट्रोल जे शिफ्ट के साथ से और कंट्रोल सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे, लेयर में जाकर हम इनको अरेंज करेंगे, पहले तो ये वाला क्लिक करेंगे, इसके बाद ये वाला क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने से इनकी जो आपस में दूरी है ये मेंटेन हो जाएगी, और उस पर क्लिक करने से ये एक लाइन पे आ जाएंगे, कंट्रोल ई करके इसको मर्ज कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट ई नहीं करना है, ओनली कंट्रोल ई करें, नहीं तो आपका पूरा शीट मर्ज हो जाएगा, बैकग्राउंड में डाल दिया इसको, ई से इरेजर टूल लेंगे, ऑपेसिटी इसका 50% करेंगे, इस जगह हमने लिख रखा है इसे इसे हल्का सा इरेज कर देंगे, इस जगह से भी इरेज कर देंगे, थोड़ा डिजाइन को शीट का डिजाइन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ये देखिए इसके ऊपर हम कोई कलर इफेक्ट देना चाहते हैं, बी दबाएंगे, इसका कलर हम पिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट के साथ एन दबाएंगे, ब्लू लेयर बन जाएगा, इस जगह पर हम क्लिक कर देंगे, ये कलर आ गया, लेयर इसमें जाएंगे, लेयर पैनल में, लेयर पैनल में जाने के बाद नॉर्मल की जगह हम इसको स्कैन कर देंगे, या और भी कोई अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, मैं स्कैन करता हूँ, इसकी ऑपेसिटी कम कर देता हूँ, मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि जो ब्लू कलर है ये कलर इसके ऊपर अप्लाई हो, कंट्रोल यू दबाऊंगा, तो बस इसको चेंज कर देंगे, इसका जो ब्लू है इसको चेंज करेंगे, कुछ ऐसा आ जाएगा, इसको भी मैं कॉपी करने के बाद इधर भी अप्लाई करना चाहता हूँ, इसलिए के ऊपर ले आएंगे सर, वही टोन इस पर भी अप्लाई हो चुका है, शिफ्ट को सेव कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस, इस जगह पर मैं 4 नंबर शीट सेव कर दूं, और हमारा एक शीट डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक तो कर ही दिए होंगे, और हाँ चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आने वाला वीडियो और भी आपको देखना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।